नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरी किचन में। आपका मुझे प्यार मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बरबा बैंगन। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बैंगन, जिसको हम चार हिस्सों में काटेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने चार हिस्सों में इसलिए काटे हैं कि इसमें अच्छे से मसाला जो भर जाए, इससे बैंगन का अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जीरा, कसूरी मेथी, ग्राइंड प्याज, हल्दी पाउडर, मिर्च और टमाटर। अब हम डाल रहे हैं मसाला बनाने के लिए जीरा, प्याज जो ग्राइंड किया हुआ है हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएंगे। अब ग्राइंड टमाटर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मसाला मिक्स हो गया हमारा। अब हम इसमें फ्राई किए हुए जो हमने बैंगन है वो डालने हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा। अब इसको हम ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट पकने देंगे। बरबा बैंगन हमारे तैयार। धनिया से गार्निश कर